में सवार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय कार्य समिति आज से शुरू हो रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का माहौल किस तरीके से भगवामय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, पूरी तरीके से होर्डिंग से पार दिया गया है और यहाँ पर आप जिधर भी निगाह डालेगा वहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी के बैनर दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे और उसमें तमाम मंत्री दिखेंगे, केंद्रीय मंत्री दिखेंगे, राज्य मंत्री दिखेंगे और साथ में आपको यहाँ पर सीएम योगी और पीएम मोदी की फोटोग्राफ्स भी दिखेंगे, जो ये बताता है कि किस तरीके से जो विजय पथ है, जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी का, ना रुके ना थमे, उसके लिए कार्य समिति बैठक में एक नया रोड मैप भी आज बनाया जाएगा, उस पर भी मंथन होगा। दो बड़ी चुनौती हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने जिसको लेकर मंथन होना है, एक तो नगर निकाय चुनाव जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं और दूसरा 2019 का लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर लगातार विजय रथ पर बढ़ता रहा तो अमित शाह का ख्वाब कि पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी के पास ये पद हो वो साकार हो सकेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आर्थिक प्रस्ताव हो या फिर सामाजिक प्रस्ताव या फिर राजनीतिक प्रस्ताव, क्या कुछ रखती है भारतीय जनता पार्टी और जो संगठन यहाँ पर होगा इस पूरे बैठक में वो किस तरीके से योगी सरकार के अभी तक की समीक्षा करती है, जो अभी तक का टेन्योर हुआ है योगी सरकार का कैसे समीक्षा करती है, तो सबकी निगाह टिकी हुई है उस वक्त का जब यहाँ पर शाम 4 बजे यहाँ पर बैठक शुरू होती है। कल उस वक्त का भी इंतजार होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी यहाँ मौजूद होंगे और वो आगे किस तरीके ले जाना है इस बात को मार्गदर्शन करेंगे। तो अब सब देखना ये होगा कि जब कार्य समिति की बैठक खत्म होती है तो रोडमैप क्या बनता है नगर निकाय चुनाव का, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का, ताकि जो विजय रथ है भारतीय जनता पार्टी का वो न थमे और प्रशस्त तरीके से आगे बढ़ सके। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ।